यूनिवर्सिटी में हो चाहे देश के अदर यूनिवर्सिटी में हो। रही बात जो जेएनयू की, जेएनयू का अगर शिक्षा आज सस्ती है तो सिर्फ अभी तक सिर्फ इसलिए इंश्योर हो सका था कि यहाँ का स्टूडेंट यूनियन ने लड़ करके अपने आंदोलन से इस बात को इंश्योर किया था कि शिक्षा जो है एक कमर्शलाइजेशन की चीज़ नहीं है, शिक्षा जो है एक कमोडिटी नहीं है, शिक्षा सभी का अधिकार है। इस बात को हम लोग आज तक इंश्योर कर पाए थे, लेकिन आज का जो सरकार है फिर से उस नरेशन को तोड़ने में लगी हुई है, फिर से वह शिक्षा को कमोडिटी बनाना चाहती है, फिर से वह शिक्षा को बेचना चाहती है। इसीलिए आज जो जेएनयू का जो स्टूडेंट है, आपने देखा कि कल भारी मात्रा में सड़कों पर उतरा था, और वहाँ पर सिर्फ जेएनयू का स्टूडेंट नहीं था, जेएनयू के साथ साथ जामिया के लोग थे, एयूडी से लोग थे, आईआईटी के लोग आए थे, डीयू से लोग आए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी से आए थे, जिंदल और अशोका यूनिवर्सिटी के लोग भी आए थे। आप लोगों को पता होगा कि अशोका और जिंदल यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट है, वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा बीए प्रोग्राम का कोर्स है, लेकिन वो लोग इस दर्द को समझ रहे हैं कि शिक्षा अगर महंगी हो गई तो लोगों को पर क्या बीतेगी। इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सभी मीडिया साथी के माध्यम से मैं संदेश इस देश के समाज तक पहुँचाना चाहता हूँ, इस देश के तमाम स्टूडेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो लोग इस आंदोलन में पूरे तरीके से खुल करके सामने आए और सरकार से सवाल करें कि आपको जो शिक्षा है वो सस्ती करनी पड़ेगी, निशुल्क करनी पड़ेगी और सभी के लिए शिक्षा इंश्योर करनी पड़ेगी। तो आप ये जाके दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता के साथ किस तरीके से इनके ऊपर अटैक किया था। वो सारे मीडिया से अनुरोध है, वो जो बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक तरीके का वैंडलिज्म हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर माना नहीं जा रहा है, आप थोड़ा पूछिएगा कि दिल्ली पुलिस ने कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात मानी थी। आप थोड़ा पूछिएगा वाइस चांसलर से, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं वाइस चांसलर से, हमारा वाइस चांसलर तो हमारे पास नहीं आता है और कुछ मीडिया चैनल्स के पास नहीं जाता है, अगर आपके पास जा रहा है तो आप पूछिए कि एक महीने से वाइस चांसलर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स तो मतलब यहाँ बैठे हुए, काफी मीडिया के लोग भी यहाँ पे काफी दिन से कवर कर रहे हैं। वाइस चांसलर अगर आते तो मीडिया भी कवर कर लेता, देखो वाइस चांसलर आ रहा है लेकिन स्टूडेंट्स मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक दो चैनल से जो पूरा अलग नैरेटिव दे रहा है कि नहीं वाइस चांसलर हमारे पास आ रहा है तो सिर्फ स्टूडेंट्स के पास। एकदम जेन्युइनली जर्नलिज्म किया जाए इसका एक्सपेक्टेशन हम जेएनयू के स्टूडेंट्स रखते हैं, और इसी रेस्पेक्ट के साथ ये भी अपील करते हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कि आप भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद आपका भी थोड़ा आंख कान खुले और आप भी थोड़ा एकदम सच्चाई को जिस तरीके से ब्रूटलिटी हुआ है उसको एकदम ट्रूथ, जर्नलिज्म के ट्रूथ के साथ, स्पिरिट के साथ उसको एकदम दिखाने का हिम्मत कीजिए। हम आपके साथ जरूर खड़े होंगे। उसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उनको महंगा न किया जाए इसके लिए आंदोलन चल रहा है, चाहे वो फीस चाहे जेएनयू का हो, चाहे वो फीस बीएचयू का हो और चाहे एसयू का हो। आज जो गवर्नमेंट है वो स्कूल को किस तरीके से बदनाम कर रही है। मैं स्वयं एक गरीब परिवार से और गांव से बिलोंग करता हूँ, और अगर नवोदय विद्यालय अपना नाम सुना होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर वो स्कूल नहीं रहा होता तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया होता, लेकिन सरकार आज जवाहर नवोदय विद्यालय को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक समय में जवाहर नवोदय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हुआ करती थी, आज सरकार वहाँ पर 1500 पर मंथ वहाँ पर शिक्षा कर दिया है, तो गरीब लोग तो वहाँ पर अब नहीं पढ़ने जा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी फीस को महंगा किया जा रहा है, जो फीस टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो 2500 के आसपास पूरा मेस बिल वगैरह लेकर के होता था, वो अब 7000-8000 पर मंथ होने जा रहा है। तो सीधी सी बात, अगर कोई एक्सक्लूड हो रहा है तो वो गरीब लोग हैं, जो गांव से आने वाले वंचित तबका से लोग हैं, महिला साथी लोग, जो महिला स्टूडेंट लोग होंगी वो लोग इससे एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो सरकार से मेरा आग्रह है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है उसको महंगा मत कीजिए,
वहाँ पर शिक्षा को आप निःशुल्क कीजिए और सस्ती कीजिए, ताकि जो शुरू कीजिए ना अपने भाषण दे रहे हैं यहाँ पर सर You are not supposed to tell us how should we conduct our press conference. If you are not happy, you can go. You can leave. See, here we have invited the press to keep everything in front, in transparent way. If certain media personnel are not interested, they can leave. This is not the way. Please don't interrupt and disturb the press conference. We will not leave. Don't ask us to leave like that. We have a right to peacefully be here. You should not disturb the press conference. You stand here. You stand here. Everyone making. This is the way. Yes, teacher. Just me. I'm here. जेएनयू का आंदोलन बंद करके नहीं रह गया है, ये आंदोलन इस देश में शिक्षा को बचाने का आंदोलन है। यहाँ पे लोगों को डिटेन किया गया है, मारा पीटा गया है, और जिन लोगों को डिटेन किया उनको दोबारा मारा गया है बस में बैठा के। ये बातें इन दोनों ने कही, हमने उसके बाद जब हमें यहाँ पे रोकने का कोशिश किया गया, हमने अपने रूट में थोड़ा बदलाव करके आरके पुरम से होते हुए जोरबाग की तरफ हम गए, और वहाँ पे हम शांतिपूर्वक ही मार्च कर रहे थे काफी सारे। अच्छा अच्छा, आप रुकिए, मैं जवाब दूंगा इनको। पहले सब लोग बोल लेंगे, मैं जवाब देता हूँ। और दूसरी बात, कल का पूरा चीज मुझे बोल लेने दीजिए एक बार। साथियों, कल जब हम लोग जोरबाग से पहुंचे मेट्रो स्टेशन के पास, तो वहां पर एकदम हठप्रवोक तरीके से शांतिपूर्वक हमारा मार्ग चल रहा था। जिन साथियों को डिटेन किया गया है उनको रिहा किया जाए, उनको रिहा करके जोरबाग पे लाया जाए, ये हमारा एक सिंपल डिमांड था। और वहाँ पे हम बने हुए थे, वहाँ पे दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है वो खुद आकर वहाँ पे हमें ये अश्योरेंस दिए। See, here we have invited the press to keep everything
in front, in transparent way. If certain media personnel are not interested, they can leave. This is not the case. Please don't interrupt and disturb the press conference. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।